अपराध को जितना रोकने की कोशिश हो रही है उतना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। स्मैक की लत इतने युवाओं को लग चुकी है कि कहीं न कहीं छोटे मोटे वारदात को वे अंजाम दे ही देते हैं। आज देर शाम रंगभूमि रोड स्थित कोचिंग क्लास से निकल रही एक छात्रा का बाइक सवार झपट मार ने मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद बाइक सवार अपराधी हाउसिंग बोर्ड की तरफ भाग निकले। आए दिन बढ़ रहे घटना को लेकर आमजन स्मैक को कोस रहे हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। जैसे हम लोग कोचिंग से निकले वहाँ मेरा भाई ऐसे 9-10 बार कॉल किया था, डॉक्टर के पास था, उसी को कॉल लगा रहे थे, उससे बात हुआ, उसको बोल रहे थे ठीक है हम रखते हैं। तब तक पीछे से आया और बहुत जोर झटका लगा हमको, लगा कि वैसे मेरा चश्मा से बिगड़ा। जब तक चश्मा उठाया तो मेरा फोन लेके भाग गया। क्या चीज से था वो? बाइक से था, दो गो था लड़का लेके। तो कहाँ पे हुआ था ये? यहाँ स्कूल के साइड। क्या रणभूमि? हाँ, उससे आगे। कौन कलर का बाइक था? बाइक थोड़ा ब्लू टाइप का था। तो क्या अभी आप लोग प्रशासन को दिए सूचना इसका? भैया लोग दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। कितना बजे की घटना हुई? तभी 5:15 बजे था। आप लोग कितने आदमी थे? हम दो आदमी थे। कहाँ जा रहे थे? कोचिंग जा ही रहे थे, घर जा रहे थे। प्रशासन कहीं उपस्थित नहीं होते हैं, मगर घुसखोरी में हर जगह उपस्थित रहते हैं। भूमि विवाद का मामला हो वहाँ प्रशासन अपनी भरीपाई के लिए जाते हैं। लोग परेशान हैं, जिस बाप माए बेटी के ब्याह के लिए पैसा रखता है, इसने कर बेटा उसका चुरा लेता है। शराबबंदी फुल्ली तरह से विफल है और शराबबंदी का नतीजा है कि जो कि स्नैक पूर्णिया चरण सीमा को पार कर लिया है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार तो जिद्दी लोग हैं, नीतीश बाबू तो अपने बहुत बड़े जिद्दी लोग हैं, पागल हैं वो। मैं विश्वजीत कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पूर्णिया, सह जिला परिषद सदस्य धमरा। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आए और नामांकन करवाएं।